इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के मिशन पूरब पर हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड को 35,700 करोड़ की सौगात देंगे। बंगाल को करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर कल बिहार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो आज झारखंड, बंगाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरब दौरा? देखिए रोमाना, अगर आप इस पर गौर करें तो अगर पूरब में भारतीय जनता पार्टी सीटें साधने में कामयाब हो जाती है तो फिर तभी वो आराम से कंफर्टेबल मेजोरिटी के पास पहुंच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 2024 में पूरब का जो ये इलाका है, खासकर बिहार, बंगाल, झारखंड, इन तीनों राज्यों पे आप अगर गौर करें, बंगाल में ममता है, बिहार में अभी हाल फिलहाल में उलट पुलट की कहानी हुई है, लेकिन वहां पे ये कयास लगा जा रहा है कि जिस बिहार में पिछले चुनाव में अभी जो गठबंधन नीतीश कुमार और बीजेपी की है वो 39 सीटें लेकर आई थी, सिर्फ एक सीट वहां पे कांग्रेस जीत पाई थी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली की कुर्सी को साधना है तो पूरब को साधना होगा। और इस वक्त पूरब के ये तीन राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वहां पर अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में बीजेपी के सामने चुनौती है तो वो वही है ना, बंगाल में, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। कमोबेश बिहार और झारखंड के मुकाबले बंगाल जो है वही सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में आर पार टीएमसी और बीजेपी के बीच ऐसे में निशाने पर बंगाल में ममता सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। चूंकि जो बंगाल की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है तो कुर्सी को मजबूत करने की सीटें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से मिलती है। जब पिछली बार बंगाल से 18 सीटें मिली तो कंफर्टेबली 303 सीटों पे बीजेपी पहुंच गई। इस वक्त आप कह सकते हैं बंगाल में एक तरह से उबाल है। संदेश खाली की मुद्दे, नारी सम्मान का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पे यहाँ पे हंगामा है। हालांकि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे के आसपास आराम बाग पहुंचेंगे तो ये तय है कि प्रधानमंत्री आज अपने मंच से बंगाल में नारी सम्मान की बात करेंगे, माँ माटी मानुष की बात करने वाली। बिल्कुल, देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात के साथ साथ किस तरीके से निशाने पर राज्य सरकार को लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल चुनाव की तारीखों से एन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज का पूरब दौरा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।